नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई दुर्गेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं DNY न्यूज। अभी इस वक्त मैं नेपाल के बैरेज पर मौजूद हूं। जैसा कि आप लोगों को मैंने कमिटमेंट किया था कि आप लोगों को नेपाल बैरेज का वीडियो जरूर दिखाऊंगा, और क्योंकि दोस्तों अभी का जो सीजन चल रहा है बारिश का सीजन है, और बारिश के सीजन में यहाँ का जो नज़ारा होता है काफ़ी अच्छा लुक होता है। देखिए पानी किस रफ्तार से चल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों पानी का रफ्तार देखिए, देख लीजिए किस रफ्तार से पानी चल रहा है। और आपको हम बैक कैमरा से भी दिखाएंगे कि नेपाल बैरेज पर किस तरह से लोग जो है आते हैं घूमने के लिए, बड़े ही आनंद लेते हैं। और हमारे साथ में अरुण जी भी हैं। देखिए अरुण जी कैसा लग रहा है बॉर्डर पे आके नेपाल बैरेज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा घबराहट भी हो रहा है। जो ये पानी तो देख रहे हैं आप जी, पानी इंडिया जाता है, इंडिया जाता है। तो बहुत ऐसा गांव है, बस्ती है जो कोसी के तट पे है, तो उन लोगों को जो है इस पानी से बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है। तो इसलिए कि जो है थोड़ा मन विचलित है कि क्या होता होगा उधर उस लोगों के साथ, क्योंकि आप बाकी तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी का नज़ारा देखिए दोस्तों। और आपको तमाम जानकारी देंगे, वीडियो में जुड़े रहिएगा लास्ट तक। देखिए फाटक नंबर 48 है, और आपको हम जानकारी देंगे कि देखिए कौन कौन सा फाटक खुला हुआ है। देखिए 49, 48, 47, 46, 45, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 45 से लेके 50 तक का, यानी कि 5 फाटक लगभग यहाँ खुला हुआ है। और यहाँ देखिए लकड़ी भी लोग निकालता है, बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ियाँ निकालता है। देखिए और देख लीजिए पानी का रफ्तार, देखिए दोस्तों देखिए पानी का रफ्तार, आपको आवाज़ जा रहा होगा पानी का। इंडिया नेपाल दोनों तरफ से गाड़ियाँ यहाँ लगातार आती जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइक लेकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को मोबाइल कैमरा से हम यहाँ का वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में, और बैक कैमरा से भी आपको पूरा जानकारी देंगे, पूरा तरह से पानी का रफ्तार दिखाते हैं बैक कैमरा से किस तरह से यहाँ पानी का रफ्तार चल रहा है। देख लीजिए दोस्तों पानी का रफ्तार देखकर आपको जो है ना चौंक जाइएगा आप। देखिए जरा सा नीचे में यहाँ पे सीन दिखाते हैं, देखिए देख लीजिए पानी का सीन देखिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ का जो लोग होता है ना, यहाँ का लोग खूब लकड़ियाँ निकालता है। देखिए मोटे मोटे लकड़ियाँ सब निकाल के ढेर करके रखा हुआ है। देखिए कैसे लकड़ी लोग निकाल रहा है, आपको दिखाते हैं, देखिएगा लकड़ी वहाँ पे आया है। और देखिए देखिए कैसे फेंका, देखिए अब निकाल रहा है, देखिए नहीं लगा लकड़ी। देखिए वहाँ पे एक लकड़ी है, ये देखिए कैसे फेंका वहाँ, देखिए देखिए कैसे बर्छी फेंकता है। ये लोग जो है बर्छी के माध्यम से जो है दोस्तों लकड़ी को निकालता है, देख लीजिए। और जुड़े रहिए आप लोग वीडियो में, आपको पूरा वीडियो यहाँ का दिखाएंगे। देखिए कैसे लकड़ी निकाला है बर्छी से, देखिए जो फाटक खुला हुआ है, अभी ये खुला हुआ है फाटक, इसीलिए इसका जो शटर है ऊपर उठा हुआ है। और इसके सामने का जो पानी का रफ्तार है ना दोस्तों, आपको देख के हैरानी होगा। देख लीजिए, देखिए इधर नेपाल से पानी आ रहा है, इधर इंडिया में पानी जा रहा है, पूरा का पूरा आपको पानी ही पानी नजर आएगा, पूरा का पूरा। देखिए यही से पानी जो है दोस्तों निकलता है कोसी नदी में, यानी कि कोसी नदी ही मान लीजिए, यही है कोसी नदी, और यहीं से पूरा बिहार में कोसी नदी फैलता है यहाँ से। अरुण जी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। कहिए मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है, पानी में डर भी लग रहा है पानी देखकर। पानी देखकर डर तो नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब अनुभव हो रहा है कि पानी अगर इंडिया में जाता है जी, इंडिया के तट पे जितना भी घर होगा कोसी तक पे, उन लोगों को इन पानी से तकलीफ होता होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही बस उतना ही दुख है, बाकी तो यहाँ का तो बहुत सुकून का जो है मतलब बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, यहाँ से फाटक इधर बंद है, देख लीजिए
देखिए फाटक बंद है, जो भी फाटक खुला हुआ है उसका शटर उठाया हुआ है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देखिए आ चुके हैं फाटक नंबर 45 पे। देखिए फाटक नंबर 45 पे आए हुए हैं और चलिए हम आपको लास्ट तक दे जाकर वहाँ तक जो है, क्योंकि टोटल 56 फाटक है, सभी फाटक हम लोग आपको दिखाएंगे। हरिशंकर जी भी हमारे साथ में है, कैसा लग रहा है हरिशंकर जी? अच्छा लग रहा है। आप लोग फ्रेंड लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा DNY न्यूज को। लमसम अभी बताया जाए तो 56 फाटक में से 16 फाटक खुली हुई है और ये आप लोगों को पानी 3 लाख क्यूब लमसम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हम लोग आए हुए थे वीरपुर कुछ न्यूज कलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग सोचे कि बैरेज पर भी जाके आपको एक बार बैरेज का अपडेट दे दें, बैरेज का नज़ारा दिखा दें। और हमारे साथ में आप देख रहे हैं पीछे में शंकर जी हैं, उधर अरुण जी हैं, हरिशंकर जी हैं, सब हम लोग 4 आदमी आए हुए थे वीरपुर में न्यूज कलेक्ट किए, फिर वहां से आ गए बैरेज पे। तो क्योंकि यहां तो माइक लेकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नेपाल में हैं, तो बिना परमिशन लिए हुए माइक लेकर न्यूज बनाना सही नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे ही मोबाइल से आप लोगों को पूरा जो है यहाँ पे नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ का पूरा सीन दिखा रहे हैं आपको बैरेज का। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए फेसबुक को। और इधर देखिए, इधर पानी ही पानी खाली नजर आएगा आपको। देखिए हम लोग जो यहाँ पे जो आए हुए हैं, हालांकि जो है मन का तो सुकून मिल जा रहा है, लेकिन जी दिल दुख रहा है। क्यों दिल दुख रहा है सर? देखिए हम लोग जो है बिहार के रहने वाले हैं, और भी जो है कोसी बराज नेपाल जो सटे जो बिहार से जो है गुजरती है डिस्ट्रिक्ट सुपौल का। जी और देखिए लगातार जो है इस मानसून के मौसम में सर बाढ़ की संभावना बहुत होती है जी, और जो हमारे जो जितने भी हमारे जो दर्शक बंधु है सब लगातार कमेंट करते हैं कि सर आप लोग जो है बाढ़ का कवरेज कीजिए। बिल्कुल हम लोग जो है लगातार जो है बाढ़ का कवरेज करते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे जहाँ से जो है आप लोग को बाढ़ का समस्या होता है, जहाँ से पानी रिलीज होती है वहाँ पे हम आज आप लोग को जो है शुरू से किए हैं। बिल्कुल। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द जो है जहाँ से जो कोसी बाढ़ जो है निकलती है, जहाँ से उत्पन्न होती है, वहाँ भी जाकर के मैं लगातार जो है वहाँ पे जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है कोसी बराज जो है पानी जो है छोटी सी जो है एक नाले की तरह पानी निकल जो आधे आधे पूरा पिसा जो है। जी जी बिल्कुल। यानी कि नेपाल में कहाँ पे है सर, कौन सा जगह पे है वो जहाँ से? नेपाल में जो है ये जगह का नाम तो अभी जो है याद, बड़ा छतर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हमको दिमाग से उतर गया लेकिन सर को बिल्कुल तो सर को दिमाग में है। हाँ जो बड़ा छतर है आप जो है सर्च कर सकते हैं गूगल पे है। वहाँ से जो बड़ा छतर से जो है कोसी बराज उत्पन्न होती है, वहाँ पे जाकर के बहुत जल्द जो है हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और जो है वहाँ से जाकर के रिपोर्टिंग करके आप लोग के साथ जो है वक्तव्य और दिखाने का दृश्य। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग सर पहले अपने बिहार में भी अपने सुपौल में भी कई बार कोसी नदी का वीडियो दिखाए हैं, कोसी किस तरह से आता है, कुछ दिन पहले भी वीडियो हम लोग वहां दिखाए थे। और उसके बाद उस वीडियो पे जो है सर लगातार कमेंट आ रहा था हमारे दर्शकों का कि आप लोग सर बैरेज का भी वीडियो दिखाइए नेपाल में। तो हम लोग देखिए आप लोगों का कमेंट देखकर आप लोगों को हम लोग कमिटमेंट किए थे कि हम लोग जरूर दिखाएंगे बैरेज पर जाकर वीडियो। तो आप आज हम लोग बैरेज पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पे पानी को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना ये फाटक, ये पानी को कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पे मेन काम होता है। और कौन कौन सा फाटक खुला हुआ है वो भी पूरा जानकारी देंगे। अभी इधर देखिए पीछे में ये सब जितना भी फाटक है सब फाटक अभी ये बंद है और आगे हम लोग जा रहे हैं, आगे कौन नंबर का फाटक इधर देखा। जी जी आते आते जो है मुझे एक चीज मुझे नजर आ गया, ये देखिए ये कहीं कहीं जो है यहाँ पे अगर छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे आते हैं सर जी, जी, उसके लिए खतरे का निशान ये प्रकट कर रही है। बिल्कुल बहुत मैं ऐसा कर रहा हूँ चूंकि जो है ये मरम्मत का काम है। जी जी यहाँ पे जो है ये जो बना हुआ है कहीं की खुला हुआ है बिल्कुल मरम्मत का ये जरूरत है। बच्चे आएंगे जी उसको तो इतना समझ होती है। ये भी देखिए सर छड़ जो लगा हुआ है ये भी हिल रहा है, देखिए तो
क्योंकि हम नेपाल सरकार इधर भी देखिए खुला हुआ है, यहाँ हम नेपाल सरकार से विनती करते हैं कि अगर इस चीज को अगर आप अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं सर के चैनल वीडियो देख रहे हैं जरूर इस पर जो है कहीं ना कहीं जो है कार्ड करने की कमी है और इस पर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल देखिए क्योंकि बैरेज जो है कई वर्षों का ये पुराना है, बहुत पहले का बना हुआ है, काफी पुराना है और इसका मरम्मत जो है ना अभी तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये जो बाउंड्री आप लोग साइड साइड में बाउंड्री देख रहे हैं ये जगह जगह पर बाउंड्री टूट गया है। और दोस्तों यहाँ पे घूमने के लिए काफी जगहों से लोग इंडिया से भी आते हैं, इंडिया में बिहार से काफी मात्रा में, क्योंकि ये हम लोग सुपौल जो है ये सीमावर्ती क्षेत्र है नेपाल का, तो काफ़ी लोग वहां से घूमने आते हैं, अपने बच्चों के साथ भी यहां पे आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको मरम्मत किया जाए, ये जो बाउंड्री जगह जगह पर टूटा हुआ है इसको ज़रूर मरम्मत करें ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं घट जाए। देखिए दोस्तों इधर फाटक सब बंद था और अब यहाँ से फिर फाटक खुला हुआ है और पानी का रफ्तार फिर जो है देख लीजिए आप, जो जो फाटक खुला हुआ है उसका उसके सामने में जो है पानी का रफ्तार काफ़ी तेजी से चल रहा है, पानी देख लीजिए दिखाते हैं आपको, देखिए देखिए कितना तेजी रफ्तार में जो है पानी चल रहा है, क्योंकि इधर का फाटक सब जो है खुला हुआ है। दोस्तों आपको दिखाते हैं एक बार, देखिए ये 19 नंबर फाटक है और यहाँ से आगे जो है फाटक सब खुला हुआ है। देखिए मोटे मोटे लकड़ियां यहाँ किस तरह से लोग निकालता है पानी से आप देख लीजिए, देखिए वहां भी लकड़ी जमा करके रखा हुआ है, देख लीजिए किस तरह से लकड़ियां यहाँ पे लोग निकालता है, भाला बर्छी से निकालता है, देखिए इसी तरह से भाला से जो है ना लकड़ियां निकालता है लोग। और ये रोड हो गया मेन, ये जो बैरेज है बैरेज का ये रोड हो गया, इस पे लगातार इंडिया नेपाल का गाड़ी आते जाते रहता है। और जितने भी फाटक है लास्ट तक आपको हम जाकर दिखाएंगे, एक से लेकर 56 फाटक है, 56 फाटक तक आपको लास्ट तक आपको जाकर हम दिखाएंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों मैं आपको नेपाल बैरेज का पूरा अपडेट देने का प्रयास किया, पूरा वीडियो आपको दिखाया, आपको वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जुड़े हुए थे DNY न्यूज़ के साथ, इसी तरह की खबरों को इसी तरह की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।